1984 कर्नाटक की है बात। एक छोटे से शहर में कांड होता था हर रात। हर घर से एक मर्द रोज हो जाता था गायब। ये सुन के एक रिपोर्टर आया, नाम उसका व्यंकट। वो देखा हर घर के बाहर लिखा कल आना। ये देख के उसने पूछा पुजारी से, जरा बताना कि शाम होते ही सारे भग जाते जी घर। क्या चीज है वो जिसका इनको सताए डर? पुजारी ने बताया शहर में है एक चुड़ैल, वो लाल साड़ी पहन के हवा में करती थी शैर। वो रोज रात को लोगों के घर में ठक ठक आए, दरवाजे के बाहर से मर्दों का नाम फुसफुसाए। फिर जो मर्द खोल देता था घर का दरवाजा, वो उसकी सुंदरता के जाल में था फिर फंस जाता। वो उसको अपने साथ पीछे पीछे में ले जाए, वो कर देती कुछ ऐसा मर्द लौट के फिर न आए। तब से लिखा जाता था घर के बाहर में कल आना, ये पढ़ के चुड़ैल ने कम कर दिया सताना। पुजारी सब बता के फिर भागा अपने घर, व्यंकट भी हो गया खुश, कल अच्छी छापूंगा खबर। फिरता रहा, डरता रहा, चारों तरफ मंजर था नया। फिरता रहा, डरता रहा, चारों तरफ मंजर था नया। अब व्यंकट वापस लौट रहा था फिर घर, पर रास्ते पे स्कूटर हो गया पंचर। वो पैदल चल के गाड़ी को धक्का लगाए, उसे ऐसा लगे कोई पीछे उसके आए। कोई पीछे से उसका नाम फिर पुकारे, उसके शीशे पे थे चुड़ैल के नजारे। फेंका फिर स्कूटर, भागा था शहर की ओर, एक घर में छुप के फिर बंद कर दिया डोर। दरवाजे के बाहर से आती फिर आवाजें, व्यंकट फिर डर के और भी कप कपाते। थोड़ी देर बाद बंद हो गया शोर, दरवाजा खोला बाहर कोई ना था। और फिर अगली सुबह वो बेहोश मिला था घर में। कुछ दिन के बाद चुड़ैल की ना आई खबरें, पर आज भी लिखा जाता है कल आना, क्योंकि चुड़ैल से था मर्दों को बचाना। फिरता रहा, डरता रहा, चारों तरफ मंजर था नया। फिरता रहा, डरता रहा, चारों तरफ मंजर था नया। इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? इसकी सजा मिलेगी।